मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। मिथुन चक्रवर्ती से पहले किन किन फिल्मी हस्तियों को फाल्के पुरस्कार मिला? भारतीय सिनेमा में अहम योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को देने का ऐलान किया गया है। मिथुन ये पुरस्कार पाने वाले 54वें शख्स हैं। ये आप जानते हैं कि 1969 से लेकर अब तक किन किन फिल्मी हस्तियों को दादा साहेब फाल्के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत हुई तो इसका पहला हकदार फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी को माना गया। 1970 में ये पुरस्कार बांग्ला सिनेमा से जुड़े भारतीय सिनेमा के पुरोधा बीएन सरकार को दिया गया। 1971 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। 1972 में मशहूर संगीतकार पंकज मलिक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। 1973 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रूबी मियर्स यानी सुलोचना को नवाजा गया। 1974 में तेलुगु फिल्म निर्माता बी एन रेड्डी, 1975 में बांग्ला फिल्म निर्माता धीरेन्द्र नाथ गांगुली, 1976 में बांग्ला अभिनेत्री कानन देवी, 1977 में हिंदी बांग्ला निर्देशक नितिन भोस, 1978 में संगीतकार आर सी बोराल, 1979 में दिग्गज अभिनेता सोहराब मोदी, 1980 में चरित्र अभिनेता पी जयराज, 1981 में संगीतकार नौशाद, 1982 में निर्माता एलवी प्रसाद, 1983 में अभिनेत्री दुर्गा खोटे, 1984 में महान निर्देशक सत्यजीत रे, 1985 में मराठी हिंदी फिल्मकार वी शांताराम, 1986 में तेलुगु निर्माता बी एन रेड्डी, 1987 में बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर, 1988 में दादा मुनि अशोक कुमार, 1989 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर, 1990 में तेलुगु एक्टर ए नागेश्वर राव, 1991 में मराठी फिल्मकार भालजी पिंडारकर, 1992 में असमी गायक भूपेन हजारिका, 1993 में फिल्म गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, 1994 में अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, 1995 में कन्नड़ एक्टर राजकुमार, 1996 में तमिल लीजेंड एक्टर शिवाजी गणेशन, 1997 में गीतकार कवि प्रदीप, 1998 में बॉलीवुड निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा, 1999 में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, 2000 में गायिका आशा भोसले, 2001 में निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा, 2002 में एवरग्रीन एक्टर देवानंद, 2003 में बांग्ला हिंदी फिल्मकार मृणाल सेन, 2004 में मलयाली निर्देशक अदूर गोपाला कृष्णन, 2005 में निर्देशक श्याम बेनेगल, 2006 में बांग्ला हिंदी फिल्मकार तपन सिन्हा, 2007 में गायक मन्ना डे, 2008 में सिनेमाटोग्राफर वी के मूर्ति, 2009 में तेलुगु फिल्म निर्माता डी रामा नायडू, 2010 में तमिल तेलुगु निर्देशक के बालाचंदर, 2011 में बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी, 2012 में अभिनेता प्राण, 2013 में गीतकार निर्देशक गुलजार, 2014 में अभिनेता शशि कपूर, 2015 में अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार, 2016 में तेलुगु निर्देशक के विश्वनाथ, 2017 में मरणोपरांत अभिनेता विनोद खन्ना, 2018 में महानायक अमिताभ बच्चन, 2019 में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत, 2020 में अभिनेत्री आशा पारेख, 2021 में एक्ट्रेस वहीदा रहमान और 2022 के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। देश डाबा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देश डामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।